नमस्ते, कैसे हो आप? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी, चीकू हलवा की रेसिपी। चलिए देखते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। तो चीकू के हलवे के लिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 पके हुए अच्छे चीकू, जो बहुत अच्छी तरह से ओवर राइप हो जाते हैं। इस टाइप के चीकू हैं ये। 1 चम्मच देसी घी, 2 चम्मच चीनी और 2 चम्मच ही रवा, रवा या सूजी जो बारीक हो आप बारीक ले सकते हैं, या मेरे पास जैसे ये थोड़ा सा मोटा वाला है तो मैंने ये लिया है, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं चीकू हलवा। तो यहाँ पर पैन में घी हो गया है गर्म, और अब हम ये जो रवा है इसको डालेंगे और इसको रोस्ट करेंगे हल्का सा कलर आने तक। बस रवा हल्का सा पिंक पिंक हो जाएगा, उतना ही जो है इसको हमने भूनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो रवा है हमारा ये भून गया है और इस पर अच्छा सा कलर भी आने लगा है। इस टाइम पर हम ये जो हमारे चीकू हैं ये इसमें ऐड करेंगे और इनको अच्छे से दबाएंगे। आप चाहें तो प्यूरी करके भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरीके से चीकू हमारे अच्छे से दब चुके हैं, मैश हो चुके हैं। और इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे अपनी ये जो शुगर है 2 चम्मच रखी हुई ये, और थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा यानी कि जितनी हमारी चीनी घुल जाए और सूजी फूल जाए बस इतना ही पानी। आपको बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है क्योंकि चीकू को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और सूजी भी हमारी बहुत थोड़ी सी ही थी। तो बस इसको इस तरीके से हिलाते हुए पकाएंगे, 1 से 2 मिनट में ये पक जाएगा इसी तरीके से चलाते हुए। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे ठीक होने लग गया, और आपको लग रहा होगा कि मैंने शुगर इसमें कम डाली है, ऐसा नहीं है दोस्तों। चीकू बहुत मीठे थे तो इसलिए मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर डाली है, और चीकू की जो खुशबू है ना वो पकने की, वो बहुत प्यारी आ रही है। तो बस 1 से 2 मिनट और हम इसको पकाएंगे अच्छा सा ठीक होने तक, और उसके बाद हम इसको निकालेंगे। तो ये लीजिए, अब इसने बिल्कुल पैन को छोड़ना कर दिया स्टार्ट, और ये रेडी है सर्व करने के लिए। चलिए करते हैं इसको सर्व। लीजिए दोस्तों, चीकू हलवा एकदम रेडी है। मैंने इसको थोड़े से बादाम के साथ गार्निश किया है। अगर आपको मेरी चीकू हलवा की रेसिपी पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।